नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। यह पर्व देवी दुर्गा के नौ रूपों की उपासना और भक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि को मनाने के कई धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं, जो कुछ इस प्रकार है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। देवी दुर्गा की पूजा। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक दिन माता के एक अलग रूप की आराधना की जाती है, जो शक्ति, ज्ञान, समृद्धि और रक्षा का प्रतीक है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई की विजय नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक दैत्य का वध। महिषासुर ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इस विजय को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है और नवरात्रि इसी विजय की स्मृति में मनाई जाती है। शक्ति और स्त्री शक्ति का सम्मान। नवरात्रि का पर्व स्त्री शक्ति का सम्मान और उसकी महत्वता को दर्शाता है। इस समय देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है, जो यह दर्शाता है कि महिलाओं में भी अपार शक्ति और सामर्थ्य है। यह पर्व नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा बढ़ाने का संदेश देता है। प्राकृतिक परिवर्तन और फसल का समय। नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह पर्व साल में दो बार आता है, एक बार बसंत में चैत्र नवरात्रि और एक बार शरद में शारदीय नवरात्रि। यह समय कृषि समाज में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह फसल बोने और काटने का समय होता है। नवरात्रि का पर्व नए सत्र की शुरुआत और समृद्धि की कामना से भी जुड़ा है। धार्मिक और आध्यात्मिक साधना। नवरात्रि का समय धार्मिक साधना और तपस्या का भी समय होता है। इस दौरान लोग उपवास करते हैं, पूजा पाठ और भक्ति में लीन होते हैं, ताकि अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना सके। इस समय आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। राम और रावण की कथा। नवरात्रि के दौरान ही भगवान राम ने शक्ति प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से रावण का वध किया। इस घटना को भी नवरात्रि से जोड़कर देखा जाता है। खासकर दशहरे के दिन रावण दहन के साथ यह पर्व समाप्त होता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। नवरात्रि के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक उत्सव और आयोजन होते हैं। गुजरात में गरबा और दांडिया रास, बंगाल में दुर्गा पूजा और उत्तर भारत में रामलीला जैसे आयोजन इस पर्व के सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाते हैं। इन आयोजनों से समाज में एकता, उत्साह और भाईचारे की भावना को बल मिलता है। आध्यात्मिक उत्थान और स्व साक्षात्कार। नवरात्रि का उद्देश्य केवल देवी की बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिकता को जागृत करना भी है। यह पर्व ध्यान और आत्मा साक्षात्कार का समय होता है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके। नवरात्रि का पर्व भक्ति, शक्ति और आत्मशुद्धि का समय है, जो हमें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है।